पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना सिटी के गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर मत्था टेकते हुए नजर आए, अरदास करते हुए नजर आए। बता दें आपको कि मत्था टेकने और अरदास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लंगर वाले एरिया में गए और वहां पर लंगर परोसते हुए भी नजर आए, तो साथ ही साथ रोटियां बेलते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौरतलब है कि अपने दो दिवसीय बिहार दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल उनका रोड शो हुआ और आज गुरुद्वारा में मत्था टेकते हुए नजर आए, अरदास करते हुए नजर आए, तो वही लंगर परोसते हुए भी नजर आए। आपको बताते चले कि लंगर में लोगों को अपने हाथ से खाना भी परोसा। पीएम सिर पर पगड़ी पहने हुए थे, वो गुरुद्वारा में करीब 20 मिनट तक रुके। उनके साथ रविशंकर प्रसाद और अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। यह पहला मौका है जब कोई पीएम पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचने के दौरान सड़क की चौड़ाई कम होने से पीएम का कारकेट फंस गया। बैरिकेडिंग हटाकर कारकेट को आगे निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आयकर गोलंबर होते हुए राजभवन की ओर निकल गया। जातेदार बलदेव सिंह ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पटना सिटी स्थित गुरुद्वारे में कोई प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पटना सिटी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सिख समुदाय के लोगों में काफी उत्साह दिखा। तख्त श्री हरिविंदर साहिब गुरुद्वारा को रंग रोगन के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के इको पार्क पहुंचे थे, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो वही बता दें आपको कि गुरुद्वारा के बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर के लिए रवाना हुए। हाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरुद्वारा पहुंचे हैं, वहां पर अरदास किया, मत्था टेका और उसके बाद लंगर वाले एरिया में गए। वहां पर खुद रोटियां बेलते हुए नजर आए, उसके बाद खुद अपने हाथों से लंगर परोसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना साहिब पहुंचा है गुरुद्वारा में और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। तो वही अब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज तीन चुनावी सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बैक टू बैक तीन चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अभी हाजीपुर में चुनावी सभा चल रहा है प्रधानमंत्री का, उसके बाद दो और सभाएं हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।